रिटायर्ड पुलिस अफसर खाना खा करके, पुलिस अफसर नहीं थे बल्कि आईएएस अफसर थे, वो खाना खा करके अपने घर के सामने गली में घूम रहे थे। और चूंकि वो वहाँ खाना खाने के बाद घूमते थे, इसकी जानकारी जो वहाँ कॉम्प्लेक्स में, उसके पास वाले कॉम्प्लेक्स में जो इंदल है लड़का, इसको रहती थी। तो ये उस दिन घटना के दिन ये सब पहले से इकट्ठा थे। वो अपना खाना खा के जब घूमने गए, तब तक ये लोग जो है वहाँ अपना प्लान बना लिए थे, और उसमें से ये लड़का जो है दौड़ करके गया उनके साथ। ये सीसीटीवी फुटेज में भी आया हुआ है। पहले ये चार तीन लोग जो है वहाँ अपना कर रहे थे, उसकी भी एक लड़का उसके आसपास था, जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं कि उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है। अभी वो संदेह के दायरे में है, अभी हम उसके बारे में अभी उसको इसलिए फरार घोषित नहीं किए हैं। तो ये अपना इसमें से एक लड़का भाग करके गया, जो राज प्रताप उर्फ बाबू, इसने उनको कंधे से पकड़ करके चेन खींचा और धक्का मुक्की करके गिरा दिया, जिसके वजह से उनको चोटें आई। वो पीजीआई में उनको एडमिट कराना पड़ा और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि ये लगभग 70 साल के हैं जो प्रेमराय द्विवेदी जी, तो ये जनरली छीना झपटी के बाद जो धक्का मुक्की करके गिरा दिया, उससे ये इसके ब्रुटुअल होने की, मतलब एक व्यक्ति का उम्र से आपको बाबा की उम्र का हो और आप उसके साथ जो है धक्का मुक्की करके चोटिल कर देने का प्रयास कर दिए, ये महत्वपूर्ण गंभीरता, इसकी बहुत ज़्यादा गंभीरता थी। इसकी वजह से जो पुलिस कमिश्नरेट की टीम जो है, डीसीपी उत्तरी हमारी टीम, विकास नगर की टीम और सभी अधिकारी जो है वो संवेदनशीलता के साथ इस पर सारे लोग काम किया, और सीसीटीवी के फुटेज से हमको मिल गया कि ये लोग जो है, ये यहाँ तीन चार लड़के जो दिख रहे हैं, इन पे काम किया जाए तो डेवलप हो सकता है। सीसीटीवी को डेवलप करने से ये पता लगा कि एक व्यक्ति इसका कहीं ना कहीं संबंध जो है इस कॉम्प्लेक्स से ज़रूर होगा, क्योंकि एक साथ अगर असेंबल हो रहे हैं तो बिना सहारे के आदमी इकट्ठा नहीं होता है। तो वो सहारे पर हम लोग पहुँचे कि सहारा वहाँ का जो है इंदल है, जो ड्राइवरी का भी काम करता है और पीछे भी इसका क्रिमिनल इतिहास है। तो ऐसी स्थिति पर हम लोग इस पर सेंट्रलाइज किए, इससे पकड़ा गया। इसके पकड़ने से पूछताछ में चीज़ें आगे सुराग किए, फिर हम लोगों ने इस पर सर्विलांस में जिसको अभी हम लोग फरार बता रहे हैं, वो लड़का अभी वो फरार है। उसके जब उसका जो भी उसकी भूमिका थी, जो सारी चीज़ें थी, वो स्पष्ट हो गई। ये लोग यहाँ से लेकर के चैन लेकर के और जा करके चिन्हट में लड़का जो राज है, ये वहाँ रुका। वहाँ इन लोगों ने फिर असेंबली किया और उस असेंबली के माध्यम से जो चेन है, लूटी हुई चेन, उसका इन्होंने पैसा आपस में जो है बांटा। बाकी चेन ले करके जो लड़का फरार है वो ले करके फरार हो गया। चेन बेचा, व्यवहारिक बेच दिया, इतना पैसा दो, बाकी बाद में देना। जो आपस में चार तीन लोग थे, उन्होंने, एक लड़का जो फरार है, उसने कहा कि हम मोटा मोटी इतना पैसा इसको समझ करके हम दे रहे हैं आपस में, बाकी हम इसको और बेच करके जो पैसा होगा और देंगे। सर, राज प्रताप की बात की जाए, इंदल की बात की जाए, दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे, क्योंकि 420 के दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, कुर्सी दस्तावेज के भी दर्ज है, तो क्या दोनों लोग किसी जमीन के प्रॉप्स में थे जो कंबाइंड हुए? नहीं, ये क्या है कि ये जो इंदल है, इंदल और दूसरा जो क्या नाम, राज प्रताप राहुल, ये आपस में इनका मिलना जुलना पहले से था। तो ये वहाँ पर ये जो आईएएस अफसर थे, जो चैन पहन के रोज़ घूमते थे, उस पर इनकी नज़र थी, तो इसलिए इनका उस दिन का मोटिव सिर्फ इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे हुआ था? दोनों जो बदमाश रहे हैं, आर्मसाइट का भी मुकदमा दर्ज है, गैंगस्टर भी दर्ज है, 420 के भी इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, तो
ये इनका इनका एक एक कनेक्शन ये है कि ये पड़ोसी भी हैं और ये नशा भी करते हैं, ये नशा भी करते हैं। इनका असेंबली का कारण दो है, दूसरा जो लड़का जो फरार है वो आसपास ही रहता है इसके इंदल के कॉम्प्लेक्स के, और ये जो है नशा भी करते हैं आपस बैठ करके। तो एक प्रकार एक असेंबली के इनके दो रेज, एक तो उसको नज़दीक रहने की वजह से नज़दीक रहता है, दूसरा एक बीच बीच में गांजा भी पीते हैं। सर क्या इसमें मोटिव ये रहा कि नशेबाजी को लेकर के लूट? नहीं, नशेबाजी को लेकर के लूट नहीं की गई, लूट का सीधे सीधे मोटिव है, एक आदमी सॉफ्ट टारगेट है जो चेन पहन के घूम रहा है, तो इनको इनका पीछे जैसे है कि इनका काम ही काम है, कैसे से डिस हुई है, तो इनका हरकत जो है वो दूसरे के प्रॉपर्टी लेकर के लाभ ले लेना है। तो ऐसी स्थिति में उनके गले में रोज़ इनको दिखता था कि सोने की चेन पहन के घूमते हैं। तो बेसिकली असेंबली पॉइंट में डिस्कशन का मुद्दा भी यही था कि ये टारगेट पे लिया जा सकता है। सर कितने दिन से इसकी देखी की गई थी कि इनको टारगेट किया जाए, इस समय ये निकलेंगे? प्लानिंग तो 4-5 दिन, मतलब प्लानिंग क्या था इन लोगों का आपस का, वो तो चूंकि निकलते थे रोज़, उनका रूटीन वर्क था और उस बात को पता इंदल को ही था, तो इसलिए इसने असेंबली में किया कि यहाँ पर एक टारगेट है जिसको हम लोग कर सकते हैं। इसी में रहता है ऊपर और ड्राइवर है उसी में। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, नौकरी दूसरे के यहाँ गाड़ी चलाता है, और जो मालिक है उनके बारे में लोग जानकारी अभी कर रहे हैं कि मालिक का ज्ञान सिंह नाम। अभी तक वो एडमिट हैं, क्योंकि मेजर चूंकि उनका उनका जो जो सीसीटीवी में उनसे घटना लूट के भागने वाली आ गई थी, कारण क्या है, अगर आप सीसीटीवी को देखा जाए तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले चेन लूटने का प्रयास हो रहा है, और बाद में धक्का मुक्की उनको जो रेजिस्टेंस किया उसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। अगर सॉफ्टली चेन लूट करके ये चला जाता और चेन ऐसे हल्के से उठ जाती बिना उनके धक्का मुक्की के, तो गिरा हो सकता उनको चोट ना आती, लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस किया और रेजिस्टेंस के साथ इन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की करके अपना चेन खींचा और चेन खींच करके दौड़ते हुए सीसी फुटेज में आया। तो जिससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि मोटिव जो है उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, मोटिव चेन लूटना था। सर क्या उस समय जब लूट हुई थी क्या असलहे का प्रयोग किया गया? असलहे का उस समय प्रयोग नहीं किया गया है जिस समय हुई है, असलहा इसके साथ बरामद हुआ है, असलहे का उस समय प्रयोग नहीं। सर उनके पास असलहा कहां से आया है? उनके पास असलहा कहां से आया? उनके पास मतलब अभियुक्त के पास? हाँ मैम, अब इसके बारे में तो अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में विधिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ज्ञान नहीं। ऐसे समझिए कि आप अपने यहाँ किराए किसी को रखते हैं तो आप पुलिस से नहीं पूछ रहे हैं, आपको वेरिफिकेशन कराने की जिम्मेदारी दी गई है कि आप वेरीफाई करा लें कि व्यक्ति सही है या गलत, तो उस तरह अभी वहाँ से कोई वेरिफिकेशन का विषय आया नहीं था, उसके बारे में जाँच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। चेन लूट की ऐसा है ना कि लूट जो है ना, लूट और चोरी में अंतर ही यही है, अगर लूट होगी तो हैंडलिंग हो जाएगी, तो ये हैंडलिंग किया उसके लिए, इसलिए लूट का मोटिव था, तो लूट का मुकदमा लिखा गया था, लूट में किए हैं हम लोग, अभी मारपीट का मोटिव नहीं आया, कोई ऐसा मारपीट करना। राहुल के बारे में मुकदमे का भी जानकारी की जा रही है, उसके अम्बेडकर नगर वगैरह जिले का रहने वाला है, तो हम उसकी जानकारी कर रहे हैं। वाहन अभी वाहन का इस्तेमाल पैदल का है, पैदल का है। तीन लोग तो जो है जिनकी संलिप्तता आपस में तीन लोगों की, एक सीसी फुटेज में एक व्यक्ति और स्थानीय रूप से दिखा है, जिसके बारे में भी हम लोग कर रहे हैं, उसको वहाँ रहने का कारण क्या था, कौन था वो, क्या था, उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। लेकिन इनका कनेक्शन आपस में दिख गया और एक्शन में थे, इनका एक्शन प्रमाणित हो गया, इसलिए फरार एक फरार मोबाइल सर्विलांस से हम लोगों को ये जानकारी मिली कि पास में घटना के जस्ट पास में एक बादल कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स में
जो अभियुक्त थे वो इकट्ठा हुए उसी कॉम्प्लेक्स में। इंदल नाम का जो अभियुक्त है वो रहता है, उसकी मुखबिरी के आधार पे सारे लोग सब साथी इकट्ठा हो करके, और इनमें से एक जो अभियुक्त राज प्रताप सिंह बाबू ने, इसने घटना को इनके सबके राय सलाह से अंजाम दिया। फिजिकल अप्लीकेशन घटना में राज बाबू का था, ये गया और इंदल ने पहचान करवाई, जा करके दौड़ते हुए उनसे छीना झपटी करके वो लूट करके भाग गया। इस पूरे काम के लिए इसके साथ दो और अभियुक्त थे जो अभी फरार हैं, है? एक है, हाँ, एक राहुल नाम का है, कोई बात नहीं। तो जो दो लोग फरार हैं उनके लिए भी हम लोग गिरफ्तारी की टीमें जो कि भेजे हैं, अभी उसका फरार है, दूसरे के बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं। फरारी जो है एक के लिए घोषित की गई है ना, दूसरे के बारे में भी हम उसको और जानकारी कर रहे हैं कि उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, अगर जैसा होगा उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई की जाएगी। अधिकृत तौर से अभी एक फरार है राहुल। ये राज प्रताप सिंह उर्फ बाबू उर्फ छपरी, ये पूर्व से ही इसके विरुद्ध जो है 3-4 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। एक मुकदमा जो है गाजीपुर में है, एक थाना गोमती नगर में है, एक आसियाना में है, एक PGI में है। ये इसी प्रकार अभी इसके द्वारा जो घटनाएं की जा रही हैं वो घटनाएं जो है वो अभी जैसा कि है कि उम्र अभी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इस प्रकार से चोरी छीना झपटी इसी तरह की घटनाएं इसके साथ प्रकाश में आई हैं, और मनवर टाइप का है। तो ऐसे स्थितियों में इसका